दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल PK एजुकेटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। इस वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, किस दिन से आपकी स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगी, किन छात्रों को फीस वापसी मिलने वाली है, किन छात्रों को फीस वापसी का लाभ नहीं मिल पाएगा, ये सारी चीज़ें और एग्जैक्ट डेट भी बताऊँगा कि इस दिन से स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगा और कब तक। जिन लोगों के छात्र अभी तक जिन छात्रों के फॉर्म अभी भी सस्पेक्ट हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से, तो वो सारे फॉर्म किस डेट तक वेरीफाई हो जाएंगे, फिर उनकी स्कॉलरशिप किस डेट से आना स्टार्ट हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। तो कुल मिलाकर यूपी स्कॉलरशिप का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना है। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि यूपी स्कॉलरशिप रिलेटेड हमारी बहुत सारी वीडियोस लगातार जो आती रहती हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों स्क्रीन में आप न्यूज़ पर देख पा रहे होंगे, ये दैनिक जागरण समाचार पत्र की खबर है, प्रदेश के 50 लाख छात्रों को शुल्क भरपाई की तैयारी, यानी 50 लाख छात्रों को शुल्क भरपाई होगी। क्या है पूरी न्यूज़, पूरी डेट भी मेंशन की गई है इस न्यूज़ में, किस दिन से स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही इस दिन तक आप सभी के फॉर्म वेरीफाई हो जाएंगे, सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं इस न्यूज़ में। तो सारी चीज़ें डिटेल से बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको अगर अपना स्टेटस देखना हो या फिर PFMS के द्वारा बैंक में चेक करना हो कि आपकी स्कॉलरशिप आई या फिर नहीं, तो आपको गूगल पे जाके sarkaririzults.official.com सर्च करना है, और जिस पर जैसे ही सर्च करेंगे तो एक सरकारी रिजल्ट्स ऑफिशियल करके जो वेबसाइट है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉर्नर में जो दिया गया है, कॉर्नर पे दिया गया है यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2019-20, इस पर आपको क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। यहाँ से आप अपना स्टेटस देख सकते हैं, करेक्शन के लिए लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करके अपना बैंक अकाउंट से चेक कर सकते हैं, और साथ ही नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक दोनों की, और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर आप विजिट कर लिया करिए, अगर कोई भी अपडेट आएगा न्यू यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड यहाँ पर सबसे पहले अपडेट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं न्यूज़ की। तो ये रही न्यूज़, प्रदेश के 50 लाख छात्रों को शुल्क भरपाई की तैयारी, और देखिए जो मुख्य बिंदु है कि 22-23 जनवरी को ट्रेजरी में लगाए जाएंगे बिल, गणतंत्र दिवस पर CM बटन दबाकर खातों में भेजेंगे रकम। पूरी न्यूज़ चलिए बताते हैं, देखिए प्रदेश में 50 लाख छात्रों को शुल्क भरपाई की तैयारी चल रही है, गणतंत्र दिवस पर CM योगी आदित्यनाथ बटन दबाकर छात्रों के खातों में राशि भेजेंगे। इसके लिए छात्रों के डाटा को अंतिम रूप दिया जा रहा है, यानी जिनके फॉर्म सस्पेक्ट हैं किसी भी वजह से उनको भी वेरीफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही 22-23 जनवरी को ट्रेजरी में सभी बिल लगा दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि ट्रेजरी में सभी छात्रों की जो मांग है कि इतने स्कॉलरशिप के लिए इतने अमाउंट की ज़रूरत है, वो ट्रेजरी में 22-23 जनवरी को लगा दी जाए, ठीक है। प्रदेश में इस बार सभी पात्र छात्रों को पहले शुल्क भरपाई का निर्णय लिया गया, जैसे कि हम ऑलरेडी आपको न्यूज़ दे रहे थे, कुछ लोगों को हमारे चैनल पर भरोसा नहीं है वो ना करें, लेकिन हमारी सारी न्यूज़ सही निकलती जाएंगी, आप अंत तक देखिएगा। हमने देखिए पहले ही बताया था कि इस बार पहले छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, पहले शुल्क प्रतिपूर्ति की जाएगी उसके बाद छात्रवृत्ति दी जाएगी। यहाँ पर देखिए वही बात सामने आ रही है कि प्रदेश में इस बार सभी पात्र छात्रों को पहले शुल्क भरपाई का निर्णय लिया गया है, उसके बाद जो राशि बचेगी उसे छात्रवृत्ति दी जाएगी। हालांकि समाज कल्याण निदेशालय ने संबंधित प्रस्ताव लोक भवन को भेजा है, जिस पर अंतिम मोहर लगना अभी बाकी है। यह प्रस्ताव सरकार के निर्देश पर ही तैयार किया गया है, इसलिए हरी झंडी मिलना भी तय है। देखिए इन दिनों NIC आवेदन करने वाले छात्रों के डाटा का परीक्षण कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है, जिन छात्रों के सस्पेक्ट हैं फॉर्म उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है, बहुत ध्यान से सुने। देखिए इन दिनों NIC आवेदन करने वाले छात्रों के डाटा का परीक्षण कर रही है, उससे पहले 31 दिसंबर तक छात्रों को खामियां सुधारने का मौका दिया गया था, जो ऑनलाइन करेक्शन की डेट आई थी। अनुसूचित जाति के करीब 16 लाख और अनुसूचित जनजाति के 7 लाख विद्यार्थियों की इस बार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ दिया जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या भी जोड़ दी जाए
तो करीब 50 लाख छात्र इस सुविधा के दायरे में आएंगे। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जांच के बाद डाटा 17 जनवरी तक फाइनल होगा, उसके बाद ट्रेजरी में बिल लगाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जनवरी में ही सभी पात्र छात्रों के खातों में बजट की उपलब्धता के मद्देनज़र राशि भेज दी जाएगी। तो देखिए, जो छात्र लगातार परेशान हैं कि अभी भी उनका फॉर्म सस्पेक्ट है, किसी वजह से वेरीफाई नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं 17 जनवरी। 17 जनवरी तक अभी ये प्रक्रिया चल रही है फॉर्म को सही करने की। और डाटा के बारे में यहाँ पर आप देख लीजिए, अधिकारी ने बताया कि डाटा जो है वो 17 जनवरी तक फाइनल होगा। तो 17 जनवरी तक आप लोगों के फॉर्म के वेरीफाई होने के पूरे चांस है। उसके बाद जो है ट्रेजरी में बिल लगाने स्टार्ट हो जाएंगे और 22-23 तक लग जाएंगे। उसके बाद 24 और 25 तारीख से आपके खातों में स्कॉलरशिप और फीस वापसी, सबसे पहले फीस वापसी आनी है, तो फीस वापसी के अमाउंट आना स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी वीडियो रही होगी, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें एक, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।